हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गार्डन इट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर सामने जो पौधा है, ये है, आप पहचान गए होंगे इसको, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ये है अजवाइन का पौधा। और ये लेकिन वो वाले अजवाइन बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, जो हम लोग अपने किचन में सीड्स यूज़ करते हैं ना, ये वो अजवाइन बिल्कुल भी नहीं है। तो जो असली अजवाइन है ना, उसका पौधा देखिए स्क्रीन में आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने जो ये वाला अजवाइन का टहनी एक तोड़ ली है, तो आप देखिए दोनों में बिल्कुल कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, दोनों की पत्तियाँ बिल्कुल अलग हैं। तो ये चीज़ क्लियर है कि ये अजवाइन का पौधा नहीं है, बस ये नाम के लिए अजवाइन का पौधा है। पर फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसके जो गुण हैं ना, वो अजवाइन से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ना औषधीय पौधा है। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसका यूज़ करें, और इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो ना आपको इसकी पत्तियाँ लेनी हैं, और पत्तियों को जैसे आप ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में जो पराठे बनते हैं ना, आप वो बना रहे हैं ना, तो आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। कई लोग इसे चाय में भी यूज़ करते हैं, तो आप जैसे इसको यूज़ करना चाहें आप वैसे करें। आप पराठे में इसे डालेंगे पतला पतला, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके ना, तो इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। बिल्कुल जो अजवाइन सीड्स होती है ना, उसकी तरह ही इसका स्वाद आता है, और उसकी जो खुशबू है ना, वो भी बहुत प्यारी होती है, बिल्कुल अजवाइन की तरह ही। तो इसलिए इसको, क्योंकि अजवाइन से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी इसकी है ना खुशबू से या स्वाद से, तो इसलिए इसको अजवाइन का पौधा कहा जाता है। और इसे लगाना बिल्कुल आसान है, ये छोटी से छोटी कटिंग से बिल्कुल आसानी से हो जाता है। अगर आप इसकी बिल्कुल छोटी कटिंग भी लेते हैं ना, तो इससे आसानी से हो जाता है। तो आप इसके पत्ते देखिए कितने सुंदर हैं, और इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो औषधीय गुण होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ कि इसके जो औषधीय गुण हैं ना, वो क्या क्या हैं। तो अगर आप इसे कटिंग से लगाना चाहें ना, तो उसको आप छोटी सी कटिंग लेके भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो जो इस पौधे का ओरिजिनल नाम है ना, वो जो है ना अजवाइन नहीं है। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है कर्पूर वल्ली, क्योंकि ये साउथ इंडियन जो स्टेट है हमारे, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है ना, तो उन वहाँ पर इसको कर्पूर वल्ली के नाम से जाना जाता है। और अजवाइन जो नाम है इसको इसलिए दिया गया है कि जो उसकी सुगंध है, जो उसका टेस्ट है ना, वो बहुत हद तक अजवाइन की तरह ही है। बहुत हद तक क्या, मैं तो कहूँगी बिल्कुल अजवाइन की तरह ही इसका स्वाद होता है। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात है कि बहुत छोटे से छोटे कंटेनर में भी हो जाता है। देखिए, मैंने दही के डब्बे में इसे लगाया ना, और ये बहुत जल्दी भूसी हो जाते हैं। तो बस आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़े पॉट में लगाने की आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये औषधीय गुणों में बिल्कुल अजवाइन की तरह ही है। तो अगर आपको अजवाइन के फ़ायदे बताएँ, तो ये बिल्कुल अजवाइन की तरह ही आपको फ़ायदा देता है। तो मैं इसके कुछ फ़ायदे आपको बता देती हूँ। तो इसको सबसे ज़्यादा जो है ना, कफ एंड कोल्ड में इसको इस्तेमाल किया जाता है। में जो है कफ एंड कोल्ड अगर किसी को हो, तो इसकी जो चाय होती है उसे पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है। और पाचन संबंधी बीमारियों में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। माना किसी को कब्ज़ है, तो वो उसका जो रस है ना, उसे गुनगुने पानी में अगर सेवन करते हैं, तो कब्ज़ से भी छुटकारा मिल जाता है। सेकंड, जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे खुलकर जो है यूरिन ना आना या बहुत ज़्यादा आना, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आप अगर इसके औषधीय जो गुण हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें आप डिटेल से आप इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी वीडियो जो है आपको मिल जाएंगी यूट्यूब में। पर कुछ जगहों पर ना ये थोड़ा नुकसानदायक भी होता है, जैसे अगर गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो थोड़ा गर्म होती है, तासीर जो जिसकी होती है ना, वो गर्म तासीर होती है। तो वहाँ पर ये जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको नुकसान दे सकता है। तो अगर आप इसके इस्तेमाल के सही तरीके से वाकिफ़ है ना, तो ये किसी भी रामबाण से कम नहीं है, बहुत अच्छा औषधीय पौधा है। तो मेरी आपको सलाह है कि आप इसको अपने गार्डन पे ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि इतनी अच्छी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, और साथ में देखिए आप कितना ग्रीन ये पौधा है, तो आपके गार्डन को ग्रीन रखने में भी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। बहुत अच्छा लगता है गार्डन में, आप देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये एक हरा भरा प्लांट है, और मेडिसिनल प्लांट तो ये है ही, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड करें। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, एंड अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।